कहते हैं बच्चों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बांटी नहीं जा सकती। सब कुछ बढ़ जाएगा, जमीन जायदाद सोने चांदी सब बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चों ये पढ़ाई कोई नहीं बांट सकता, ये ज्ञान कोई नहीं बांट सकता। तो मैं तो आज के कार्यक्रम में बच्चों के लिए इतना ही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने मिलने वालों का नाम रोशन करें। और बस इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान राजेंद्र जी। और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों एवं मातृशक्ति, आज बहुत खुशी का दिन है सोल्दी के लिए कि आज ये पांचवा कार्यक्रम मेरा भी छात्रों के लिए है। और मैं अपने भाई विजेंद्र जी को इसके लिए काफ़ी सराहना करूंगा कि जो सबसे पहले जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी विजेंद्र जी ने, तो मेरे पास आए कहने के, भाई मैं ये पहला कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, कृपा आप जरूर आना। तो आज इस भाई को मैं बहुत ही किन शब्दों में इनका मैं तारीफ करूं कि बहुत ही होनहार और ऐसे कार्यक्रम के लिए जो बढ़े और उन्होंने सोल्दा में इस तरह के प्रोग्राम किए, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम तो होने चाहिए, यहाँ नहीं सभी जगह ये कार्यक्रम होने चाहिए, इससे जो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आज जिन बच्चों को पुरस्कार मिलेगा वो सम्मानित होंगे, तो जब उनको ये चिन्ह मिलेगा या तो उनको घर जाके ऐसा लगेगा कि आज हम यहाँ पर सम्मानित हुए हैं।